संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं, दिल्ली का आम नागरिक होने के तौर पर जनता इस बात का जवाब चाहती है संविधान के लिहाज से कि अभी क्या स्थिति आप बनती हुई देख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कुमार विश्वास ने संकेत दिया है कि दिल्ली में अल्पमत सरकार बन सकती है। सुभाष कश्यप जी के पास मैं दोबारा जाऊंगी, लेकिन इस बीच दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार, दिल्ली में सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा वो 36 है और दिल्ली में 17 दिसंबर तक सरकार गठन की मियाद है। 17 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उस वक्त का अल्टीमेटम है और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, नहीं तो दिल्ली में उपराज्यपाल सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते, जिसकी समय सीमा 6 महीने का वक्त है। उसके भीतर एक बार फिर से दिल्ली को चुनावों की तरफ बढ़ना होगा। राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जब भी दोबारा चुनाव की बात की जाती है तो कहा जाता है बहुत खर्चा होगा, बहुत संसाधन की आवश्यकता है। अभी आपने खुद आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं, सारी पार्टियों के लिए ये समझे कि बहुत पैसा खर्च होता है, सब कुछ खर्च होता है। आपके पास आऊंगी। सुभाष कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, अभी जो स्थिति है संविधान के लिहाज से हमें समझाइए, क्या कुछ हो सकता है दिल्ली में? देखिए, उपराज्यपाल का ये दायित्व था कि वो सबसे बड़े दल को, नेता को पहले बुलाएं, वो उन्होंने किया। उन्होंने मना कर दिया बनाने के लिए, तो जो दूसरा सबसे बड़ा दल है उसके नेता को उन्हें बुलाना चाहिए था, वो जो उन्होंने किया। तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए तैयार होना चाहिए था, वो नहीं हुए। तो आपको अब बुलाया गया है तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ये जनता के साथ अन्याय होगा कि कोई भी सरकार ने बनाए और सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा जनता के ऊपर थोपा जाए और महीनों का समय बर्बाद होता है, वो सब नहीं होना चाहिए। और सरकार देनी चाहिए, और आप जो बहुत सारे वायदे करते रही है उसे इस मौके का फायदा उठाकर कुछ करके दिखाना चाहिए। सुभाष जी, जैसा आप कह रहे हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम आम आदमी पार्टी को कि सरकार का गठन हो, लेकिन अभी कुमार विश्वास का बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकार बन सकती है दिल्ली में। अल्पमत की सरकार कैसे बनेगी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझाएं। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है कि सरकार के पास हमेशा बहुमत का समर्थन हो। जरूरी ये है कि बहुमत उसके विरोध में खड़ा न हो जी। दोनों स्थितियों में फर्क है तो सरकार नहीं चल सकती, लेकिन जब तक बहुमत विरोध में खड़ा नहीं होता तब तक अल्पमत की सरकारें चल सकती हैं और चलती रही हैं। नरसिम्हा राव की सरकार ने पूरे 5 साल किए और वो अल्पमत की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी, वो भी चलती रही। इंग्लैंड में अल्पमत की सरकारें इतिहास में कितनी बार चली हैं। तो अल्पमत की सरकार कोई अनहोनी चीज नहीं है और कोई अवैध चीज नहीं है, बिल्कुल चल सकती है। लेकिन अगर बहुमत उसके खिलाफ कभी खड़ा हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव पर या किसी मेजर पॉलिसी इशू पर या मनी बिल पर, तब उसे इस्तीफा देना होगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो सुभाष जी, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है नजीब जंग से मुलाकात के बाद, सरकार के तौर पर आम आदमी पार्टी में हम केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं, इस बात की संभावनाएं हैं? हाँ बिल्कुल, निर्णय तो आम आदमी पार्टी को करना होगा, लेकिन संभावना बिल्कुल है, सरकार बन सकती है और चल सकती है। और उसको अगर कोई बाद में गिराता है तो जिम्मेदारी जो लोग गिराएंगे उनकी होगी, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। सुभाष जी, अभी जिस तरह से दिल्ली में स्थिति बनी हुई है, आपके अनुभव के मुताबिक ऐसी स्थिति क्या आपने देखी है अपने करियर में? नहीं, ऐसी स्थिति तो बहुत बार हुई है कि जब माइनॉरिटी स्टेट्स में कितनी बार हुई है शेखावत जी, क्योंकि अप्रत्याशित तौर पर आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आई है, 1 साल की पार्टी, मैं इस लिहाज से समझना चाह रही हूँ। ये तो अप्रत्याशित है कि एक नई पार्टी इतने थोड़े समय में इतना अच्छा रिजल्ट दे, ये तो जी। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है।